उनको। अच्छा, जो मरने वाले थे कहाँ के थे? ये बासलपुर गाँव के, एक का नाम इशराना, एक का नाम बसीरा और एक का नाम अलियासा, तीन है। और तीनों तऊ चाचा के सके, अपने एक एक ही परिवार के थे। ये आप भी मुलाजिम हैं और परिवार वाले हैं, लेकिन ये इसमें मोटी पार्टियां और आप भी बाद बाद खड़े कर देंगे, हमारे गाड़ी मजबूर हो जाएंगे और पहलो है। तो इसलिए हमारी साफ सुथरी बात यह आया कि हम डेड बॉडी को जब ले जाएंगे, जब तीनों मुलजिमा को गिरफ्तार करकर हम लग देंगे, नहीं मन इसकी कोई जरूरत नहीं, जहाँ पड़े रहा गए पड़े, बस सीधी सी बात है। और आप नु कह रहे हम भी आप हमारे गाड़ी हाथ खड़े कर देंगे, फिर पीछा करें, पहले भी बार पहले करें, पहले देख लो क्या होया। और यही डीएसपी आ जा और वही डीएसपी जबता, बिल्कुल जी, बस। और आप देख लो कितनी नजायज मारी गेलो ही पहलो, और मैं कितने बदमाश आदमी हूँ, और इसी लड़के का भाई हो भी एक को कर का सुनता, बस ये बाप देख लो आपने जो करना वो कर। 307 लगाई थी जी अपने आप ही, वो भी टाइम थी, वो भी चलो देख आप नो, हम यदि कह रहे भी आप मर से नाराज नो यो, आपने हमारा पूरा साथ दिया, हाँ आपने हमारा पूरा साथ दिया, आपकी हमारी कोई नाराजगी नहीं, लेकिन आप बस हमारे पर दबाव न डालियो किसी किस्म का, अपने ऊपर जानू बुला और आनंद हम उन गल नहीं मिलता, बस ये बात हमारी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना रही है, आपका इंस्पेक्टर साहब पे, इंस्पेक्टर साहब को ऐसा मानो सारा पर की ना जी, ऐसा की ना इंस्पेक्टर साहब पर सब से ज्यादा विश्वास, हम आपन दोस्ती नहीं बनाना, दोस्ती वाली बात नहीं, हम क्यों बनाया दोस्ती, हम कोई कर दे दोस्ती का जैसा काम था, हां दोस्ती वाली बात यार, ये कहा था हमारा यो टाइम निकल गया ना, आज तेरी बात माननी चले, ओ आज गिरफ्तारी कर लो, जो हम आज गिरफ्तारी करना, कल भी करना, आज भी करना, जिन कर लो मेरे मां को बताऊंगा, उसकी बहुत बड़ा मामला है, कुछ नहीं कर सकते, ऐसा है इसमें इतनी सी भी संशय होता ना, ऐसा नहीं आप ऐसे चोको भेज देता अपने, मैं आया हूँ स्पेशल वहाँ, आप कैसे देखो इसके इतने बच्चे, अरे भाई आप उन्होंने सुनो, सुनो मैं घर कल घर गया हूँ, मैं रिश्ते बढ़ क्या कह सका मैं, आप आपने कुछ नहीं कह सकते, मैं रात को अपनी सारी टीमों को लेकर घर गया हूँ, साइबर की बात सारी मान लो कि मुझे पता था, मैं जाऊँगा, सुनिए सुनिए, मैं इसीलिए गया हूँ रात को क्योंकि मैं जाऊँगा तो साइबर टीम अलग आएगी, क्राइम टीम अलग आएगी, थोड़ा सा आप थोड़ा सा ये पूरे गांव वालों के बात है, यही है यार, सर गिरफ्तार कर लो तुरंत, पार्टी को लेकर चले जाएंगे यहाँ से, गिरफ्तार कर लो उनको, हम नहीं मान रहे, पहली गोड़ा मार दे, मैं कसर दी, विनम्र निवेदन है, मान नहीं कर रहा बात, देखो सर हम नहीं माननी, आप सर हमारी आप जोड़ रहे हैं, निवेदन आपसे है जी, चलो एक बार कोई बात ना, आपकी बात सुनिए, एक एसआईटी बना देते हैं स्पेशल, हरभजन सिंह को नहीं लेना, इंस्पेक्टर शमशेर को, ठीक है 24 घंटे में हम इसको मतलब पूरी कोशिश कर रहे हैं, एक मिनट सुनो सुनो आगे 24 घंटे में क्या नहीं रखा है हमारा, आप सोसाइटी बनाए दो, जो मर्जी बनाए दो, हमें मन ने सारी जिंदगी आपके महकमे में कट दिया, रात यो तेरा सब इंस्पेक्टर था और दूसरा भी सब इंस्पेक्टर था और आप सोहेली होंगे उस टाइम, इसने कहा उसने पर्चा तो दे और कहा मैं नहीं दिंदा, और इसने आपके पास फोन करा, मैं थोड़ा बैठा था, आपने इसने कहा जो बात नहीं मानता, आपने कहा यो कैसा नहीं मानता, आखिर उसको थारी बात माननी पड़ी और उसने पर्चा दिया, और जब आपके पास डीजी का फोन आवागा और मंत्री का आवागा, आप कुछ नहीं कर सकने के, आप बिल्कुल पास हो जाएंगे, नहीं नहीं सर आप सुन लो, इसकी सुबह सुबह हम आईजी साहब को भी रिपोर्टिंग कर चुके हैं आपके मामले, ये डायरेक्शन है कि जो तीसरा एक्यूज्ड है, मॉर्निंग से ही डायरेक्शन है, देखो मैं भरी सभा में कह रहा हूँ, जो तीसरा एक्यूज्ड है
उसको गिरफ्तार करो अतिशीघ्र। मैंने रात को भी रेड करवाई है CIA की, जब ये पर्चे दे रहे थे और ये मैंने बुरेवाड़ा भेजा, इमीडिएटली मैंने टीम CIA की भेजी, जो मैं साथ लेकर आया था, मैं गांव में साथ में अपनी CIA टीम लेकर आया था, ठीक है, मैंने इमीडिएटली भेजी है। अभी भी वो रेड पे है, अभी भी रेड पे है, आपके सामने बात हुई थी, देखो सब जब ये आए लड़के, एक मिनट मेरी सरपंच साहब, एक बार निवेदन है मेरा, एक बार सुनो आप, ये जो लड़के आए थे इन्होंने आपके सामने बताया कि भाई वो भी भाग गया, वो भाग गया करते ही भाग गया, उसने तो इनसे भी बात नहीं करी, जिस उसी ने बुलाए ये, उसी लड़के ने ये दोनों बुलाए थे और सबसे पहले भाग गया ही वो, नहीं यो तो इनकी साजिश, बात तो कर साजिश ऐसा है, हम तो इनको गिरफ्तार कर रहे हैं, रिमांड ले रहे हैं, रिमांड पे आप लोग हमारे साथ चलो, जो भी रिवील करेंगे, जो भी सच्चाई है, मतलब अभी तो तीन है, तीन के अलावा मान लो कोई चौथा भी होगा उसको भी देखेंगे, परंतु अभी ना चौथा कोई नहीं आजी, नाम चौथा किसी ने कहा, आप झूठ नहीं बोल रहे, ऐसा है देखो, हम मृतक परिवार के साथ है, ठीक है, पूरा प्रशासन साथ है, SP मैडम भी समय समय पर इसकी पूरी कार्रवाई की जो रिपोर्टिंग ले रही हैं, अभी भी रिपोर्टिंग हो रही है उनको कि भाई क्या मामला है, ठीक है, अब थोड़ा सा हमें समय दें, विश्वास करके समय दें, एक SIT बना रहे हैं हम, मैं कहता हूँ हो सकता है आज शाम तक ही आपको रिजल्ट, ठीक है, आप थोड़ा सा हमारा मामला था, हम DG पपेश है, उसकी भी दरखास्त है, वह भी आपने तब कह ली, फिर हम IG पपेश है, यो भी एडिशनल दीजिएगा, जो IG लग रहा है, इस वाली भी आपने तब कह ली, ठीक है, आप जब आपके ऊपर ऊपर से डंडा आया, आप कोई पेस नहीं चला सके, हम आपनु दोषी नहीं ठहराते, भी आपने हमारी गेल धोखा कराया, लेकिन आप मजबूर हो, हमने और हमारा काम नहीं होने का, हम जिक्र पीछे रह रहे थे, हमने जी आपको हम एक मिनट देखो, आप सारे बात रहे, एक मिनट सरपंच साहब सुनो, देखो कर ले कर अभी नाम निकालेंगे, ये कहेंगे कहेंगे क्या रहेगा आसपास, बड़े विश्वास करने की बात ही नहीं है ये, एक मिनट सुनो, हमारे मत की बात, एक मिनट देखो, विश्वास था आपने तभी फोन किया इनको, रात को इमीडिएटली पहुंचे, इन्होंने मेरे को फोन किया, मैं इमीडिएटली पहुंचा हूं, SHO से जादपुर इमीडिएटली पहुंचा है, CI इंस्पेक्टर, मतलब हमने तो आगे पीछे मैंने इनसे पूछा ला पहुंचे, मैं कर रहा मैं 2 किलोमीटर पीछे हूँ, मतलब SHO और डिप्टी देखो साथ साथ पहुंच रहे हैं आपके उस पे, तो कहीं ऐसा है, थोड़ा सा विश्वास कीजिए, हमने कब कहा जी भी आपने, देखो ऐसा है, मैं भरी सभा में कह रहा हूँ, जो तीसरा व्यक्ति है उसको हम रात से ही रेड कर रहे हैं, वो जैसे ही उसने वारदात ये करी उसके बाद ही भाग गया वो, पर जाएगा कहाँ ये बताओ, देखो यहाँ पे एक मामला पहले भी हुआ था, हम कहाँ से लाए उसको, मसूरी से लाए हैं, देखो पकड़ के, कहीं सोना से लाए हैं, कहीं पटियाला से लाए हैं, ऐसा है, ये एक हीनियस क्राइम है, 302 है, मर्डर का केस है, ठीक है, इसमें पूरी तत्परता से काम हो रहा है आप, क्योंकि हमारी इसमें पल पल की जवाबदेही है, थोड़ा सा आप विश्वास कीजिए, विश्वास करके मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, मैं समय मांग रहा हूँ केवल आप समय दीजिए मेरे को थोड़ा सा, सर समय दे दें, हम बैठे हो रहा, सरपंच साहब देखो ये कि पुलिस किसी भी बात की कुटाई करने का प्रयास ना करे, क्योंकि मेरे पास टेलीफोन आ चुके थे, मैं उस उपद्रव के में था, और रास्ते में जब मेरी गाड़ी 120 किलोमीटर की स्पीड पर है तो मुझे चलान भी मेरा, लेकिन जब मैंने उसे रिक्वेस्ट करी तो मेरे से हालात में मैंने छोड़ दिया, नहीं भाई मैं इनसे पर्चा जरूर दर्ज होगा, लेकिन गिरफ्तारी उस आदमी की तो नहीं हुई है, इस आदमी ने फायरिंग की है, और जानकार सूत्रों से ये भी क्या गोली मैंने चलाई है, सबसे पहले तो हमें ये बताया पुलिस कि वो राइफल किसकी थी, जिस आदमी की राइफल थी उसको जाओ कहाँ है वो, क्या किसी की राइफल को चलाना उचित तो नहीं है जी, अगर बार बार ऐसी घटनाएं देश और प्रदेश में होगी तो इस पब्लिक की सुरक्षा कौन करेगा, SP साहब ये सरेआम गोलियां मारना, इतना बड़ा आतंक तो DSP साहब बताएं इसके बारे में, ये पब्लिक खड़ी है कि आप क्या कर रहे हैं, करीबन हमें 12 बज गए इस पूरे उसमें जी, दो जो व्यक्ति थे उनको इमीडिएटली राउंड अप किया जी, उनका जो वेपन है वो रिकवर किया हमने, ठीक है, रही बात तीसरे की, हमने तीन व्यक्तियों के खिलाफ बयान पर्चा दिया, जो इन्होंने बयान दिया उदय पक्ष में, रात को ही क्योंकि जैसे ही उसने अपराध कमिट किया वो भाग गया, तो तीसरा व्यक्ति, ठीक है,
दो को राउंड अप कर लिया, दो पता है वो देखो वो भाई नेम बताओ ना। तीसरा व्यक्ति है जो तीसरे व्यक्ति के लिए हमने रात को ही रेड करवा दी है। जी, अभी भी रेड्स चल रही है। हाँ जी, क्योंकि उसने जैसे ही क्राइम कमिट किया वो भाग गया उसी टाइम पे। हाँ जी, तो मैं इतना मेरा इतना निवेदन है, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि भाई हम इसको शीघ्र अति शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। थोड़ा सा हमें दो बातें मेन तौर पर, उसकी गिरफ्तारी और वेपन किसका उनकी बताएं वो क्या करे हैं। नहीं नहीं, वो खुलासा करे हैं। जो दो आदमी गिरफ्तार है और वो रिमांड पर आपके चल रहे हैं, उनकी क्या रिपोर्ट आई है, रकम किसका है? ये क्या मामला था, तो ये किसके कितनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया? कल एक नौजवान है 25 वर्षीय इस दौरान उसकी तीन व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई और इमीडिएटली पुलिस ने FIR दर्ज की थी और अनुसंधान शुरू कर दिया था। हमने रात को ही दो जो दोषियां थे उनको गिरफ्तार कर लिया था, जो उन्होंने वेपन यूज़ किया था उसको भी रिकवर कर लिया था। एक जो तीसरा व्यक्ति है वो मौके से फरार हो गया, शीघ्र अतिशीघ्र हम उसको भी गिरफ्तार करेंगे। तो सर इसमें जो आरोपी हैं कौन कौन है? तीन व्यक्तियों के नाम आए थे, दो मोहाली के रहने वाले हैं और एक हरनेक है, एक लड़का कोड़वा गांव से है और उसकी गिरफ्तारी अभी बताया है और पुलिस पूरे प्रयास कर रही है ताकि उसको शीघ्र अतिशीघ्र हम गिरफ्तार करें। तो सर कुछ पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी उठ रहे हैं, अभी पिछला कोई मामला था उसको दबाया गया है? जो अगर कोई ऐसी बात है, पिछला मामला है कोई ऐसा, तो उसको भी हम रिव्यू करेंगे हायर लेवल पर और जो भी अगर उसमें कोई ग्रीवेंस है तो उसको भी देखेंगे। बट इमीडिएट जो इनका ग्रीवेंस था वो था कि गिरफ्तारी, तीसरा जो व्यक्ति कल जो मर्डर हुआ है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि शीघ्र अतिशीघ्र हमारी टीमें काम कर रही हैं, हम साइबर टीम्स की भी मदद ले रहे हैं और शीघ्र अतिशीघ्र हम उसमें गिरफ्तार करें। तो सर जो जैसे अब ये जब इनके ऊपर प्रतिगंडा बजा ऊपर से मंत्री का या अफसर का, तो इनने हमारी 307 भी तोड़ दी और आज तक उसमें मैं मुलजम भी इन्हें गिरफ्तार नहीं करें और मेरा ख्याल कहा 5 महीने के इस बात को, तो यहाँ से हमारा कीन उठ रहा है। अजी भी यहाँ भी ये पार्टी उससे भी मोटी है, बताओ हम कहाँ जाएंगे? बिल्कुल पूरी कानूनी कार्रवाई होगी, बिल्कुल सही कार्रवाई होगी, मैं आपको इस बात का विश्वास दूंगा। मंडे सुबह मेरे ऑफिस में आप बताइए सुबह बैठे एसपी की जरूरत नहीं है, मानो जरूरत थारी है लेकिन ईमानदारी से करेंगे। तुम्हारा सरपंच साहब ये सारा काम सुन रहा है, आपको ईमानदारी से करके रिजल्ट देंगे। अच्छा ठीक है, अच्छा भाई एक मिनट भाई, मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, बात मान लो इनकी सरपंच साहब, यहाँ तो मानना के प्रिया पिछली बात रट लियो, पिछली कोई नहीं है। देखो ने हमारी गल भी मानना करा 100 बारी कर लो। हाँ। लेकिन हम ने एक बजे जिसका मरा ना उसने पता हुआ भी किसका मरा, तो ऐसा ऐसा ये बात मान लो, ये बात सच है, ये बात मान लो, जिम्मेवारी है साहब तेरे दे दी है साहब, वो भी है तो है ऊपर तक में आना, वो भी है त्रिज्या ऊपर तक में चले हमारी बात मान लो, चलो इनका कीड़े एक मिनट सुनो, रोशन एक मिनट चुप।